जय माता दी। आज की ये प्रेस वार्ता बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा रखी गई। हमारा ये मकसद है कि बारीदार संघर्ष कमेटी जो है पिछले कई सालों से अपने हक के लिए लड़ रही है। तो हमने माननीय हाई कोर्ट में जब सभी सरकारों ने हमारे साथ कमिटमेंट की या फुलफिल नहीं की, मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उधमपुर की रैली में कहा था कि बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकाले, नहीं हुआ। उसको लेकर हमने एक माननीय हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर रखी है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि केरला की इलेक्शन में माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने वहां पे पब्लिकली, जिसको नेशनल मीडिया ने भी कवर किया, कहा था कि मंदिर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमने उसी को लेकर जहां पे माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखी है कि मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए, तो वहां पर सरकार कहती है कि मंदिर सरकार कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए, और जहां पर सरकार जो है वो सरकार के पक्ष में जवाब दे रही है। तो ये सरकार का जो डबल स्टैंडर्ड है उसको लेकर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि सरकार अपनी मंशा क्लियर करे कि वो जहाँ पर हिंदुओं के साथ है या सरकार के साथ है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब अगर हिंदुस्तान में बाकी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो सभी वहाँ के उन्हीं लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं, तो ये हिंदू मंदिरों पर ही सरकार बार बार कब्जे क्यों करती जा रही है, ये एक बहुत ही चिंता का कारण है। दूसरा, जहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी, जिसका स्थापन 1986 में हुआ, वो वहाँ पर एंटी हिंदू एंटी सनातन एक्टिविटीज़ वहाँ पे करता जा रहा है, और एक किस्म का वहाँ पर व्यापारीकरण जो है उन्होंने आस्था का कर रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ माता की जहाँ पे पिंडियों के पीछे जो बेशकीमती मूर्तियाँ वहाँ पे पड़ी थी वो सारी की सारी वहाँ से गायब कर दी गई हैं, क्योंकि वो मूर्तियाँ वहाँ पर विधि द्वारा स्थापित की गई थी, वो सारी मूर्तियाँ वहाँ से गायब हैं। ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा, श्राइन बोर्ड द्वारा ट्रेडिशनल ट्रैक को बाईपास करके न्यू ट्रैक निकाला गया, ये हमारी हिंदू आस्था के खिलाफ है। तीसरा, श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ाए गए पैसे से बनाया हुआ नारायणा हॉस्पिटल, जिसको आउटसोर्स करके प्राइवेट कंपनी को दे दिया, वहाँ पर लाखों के हिसाब से बिल लेकर आम जनता को लूटा जा रहा है। होना ये चाहिए था कि ये सारा माता के मंदिर में चढ़ाए हुए पैसे से बना हुआ हॉस्पिटल चैरिटी हॉस्पिटल होना चाहिए था, गरीब लोगों का वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि श्राइन बोर्ड जो है एक किस्म का व्यापार वहाँ पे चलाता जा रहा है और सनातन धर्म का अपमान करता जा रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। इसी को लेकर हमने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी।